IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है, शराइत नाकाबिल तसव्वुर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, ये शराइत हर सूरत पूरी करनी है। हंगामी इकदाम ना किए तो महंगाई। शब्बर जैदी का खदशात का इजहार, सेंटर फॉर एवरी स्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के तहत सेमिनार से खिताब। रूस से तेल की फरहमी अप्रैल तक शुरू हो गई, वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से तेल गैस नहीं खरीद सकते। महंगाई के खिलाफ हैदराबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज, प्रेस क्लब पर मुजाहरे, खवातीन कारकुनान की भी शिरकत, ब्लैक कार्ड उठाकर नारेबाजी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में आए दिन इजाफा, शहरियों का चिंची और बसों में सफर से गुरेज, कहते हैं दो स्टॉप्स पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। लांडी 89 से भैंस कॉलोनी तक रोड की तामीर, शहरियों का सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर, मसले के हल के लिए K21 न्यूज को भी सराहा। पोर्ट कासिम रोड पर ट्रोल और रक्शे में तसादुम, दो अफराद मौके पर दम तोड़ गए, चार शहरी शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर में कश्ती उलट गई, तीन माहिगी डूब गए, बिलाल और जाहिद की लाशें निकाल ली गई, मजीद एक की तलाश जारी। बाजगोट में पुरस्कार अमवात की वजूहत सामने आ गई, चार बच्चे खसरा और लड़की डेंगी वायरस मुबतला थी, महकमा सेहत का इंकशाफ। कराची में 24 घंटों के दौरान 140 वारदातें, 9 गाड़ियों और 85 मोटरसाइकिलें चोरी, एडिशनल आईजी की रिपोर्ट, वजीर आला सिंह कुरसाल। बल्दिया टाउन में 4 लाख रुपए छीन लिए गए, मदीना कॉलोनी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम से वारदात, शहरी बैंक से रकम निकलवाकर दफ्तर जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा, तकरीब में डॉक्टर आसिम और एडमिनिस्ट्रेटर तहा सलीम की खुसूसी शिरकत, साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि एक साल की मुद्दत में 30 करोड़ के वाजिबात अदा किए। सानिया पेशावर पुलिस लाइन शहदा को खराज अकीदत पेश, डेप्यूटी कमिश्नर बलीर के दफ्तर में ताजियत की तकरीब करने का सूबाई वजीर साजिद जोकी और समेत दीगर की शिरकत। वजीर आला संकल एडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, पुलिस लाइन सानिया के जख्मियों की आयादत की, शहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख की किस इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की पेशावर में यादगार शहदा पर हाजिरी, सरदार तनवीर इलियास ने फूलों की चादर चढ़ाई, पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ, शहदा को खराज अकीदत। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार, आर्मी चीफ का पेशावर पुलिस लाइन धमाके की जगह का दौरा, जानों का नजराना देने वाले पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी पेशावर का इजलास, हुकूमत और कौम शहदा के लवाहिकीन के साथ हैं, शुरका का पैगाम। दहशत गर्दों को यहाँ कौन लाया, कौम जवाब चाहती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक पार्टी लीडर अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान का हिस्सा ना लेने का फैसला, साबिक अरकान असेंबली को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। इमरान खान की बदतमीजी का मुकाबला नहीं कर सकते, सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाने की तहकीकात होनी चाहिए।
शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर अखलाकी गुफ्तगू का इल्ज़ाम, खसूसी पुलिस टीम रावलपिंडी से गिरफ्तार करके लेकर आएगी। पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार, वजीर आजम से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन वफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं कि K3 मंसूबा कम लागत बिजली फराहम करेगा। बलोचिस्तान के किला अब्दुल्ला में फैक्ट्री पर छापा, 459 किलो चर्स और 40 किलो भंग जब्त। नाकाखारी चेक पोस्ट पर मुसाफिर, 26 किलो मनशात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। और शाहिन शाह अफरीदी निकाह के बंधन में बंध गए। शाहिद अफरीदी की साहबजादी, इन शाह अफरीदी से रिश्ता इस दवाज मुंसलिक, मुताबिक क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात समेत दीगर की शिरकत है।